वेलकम शिल्पी वेलकम बेटा ज्ञान भारत नमस्ते वेट yes, कर रहे थे बहुत बहुत excited हैं आज फिर से कुछ नया सुनने को मिलेगा हमको और वो भी बाबा जी के बारे में तो इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है और फिर उसमें सोने पे सुहागा है कि वो तुम्हारी आवाज में हम सुनेंगे तो Thank you, Over to you. आप सभी को मेरा आत्मबंधन नमस्ते और बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप सबका जो आप सब लोग आज यहाँ पे आए हैं और फिर से सब सेशन के लिए तैयार हो चुके हैं सुनने के लिए आ, पहले वाला सेशन अभी जिसने नहीं सुना हो वो जरूर सुनिएगा जिससे कि आपको आज का सेशन और अच्छे से समझ में आएगा आज भी कुछ इंटरेस्टिंग है नया है बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा मुझे भी मिला था और जब मैंने पढ़ा था तो मैं हर बार जान करके अरे ऐसा है क्या अरे ऐसा है क्या मैं इतना शॉक्ड हुई थी तो देखते हैं आज आप लोग कितना शॉक्ड होते हो और कनेक्ट रहिएगा क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में है बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आप अगर एज अ स्टोरी सुनेंगे तो मिस हो जाएंगी तो मेरे साथ बने रहिएगा मैं स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ फिर मैं स्टार्ट करती हूँ yes, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन ओके यस यस ओके तो आप देख रहे हैं ये योगीराज गुरुनाथ सिद्धनाथ हैं जिनकी बुक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं जो कि पूरी महाअवतार बाबा जी के ऊपर है और इसमें महावतार बाबा जी और शिव गोरछ बाबा जी दोनों एक ही हैं पूरी बुक में आपको हर एक पेज में यही जानने को मिलेगा कि वो दोनों कैसे एक हैं पूरी तरीके से उन्होंने कोशिश की है के लोग जो भी स्पिरिचुअल पाथ में हैं और जो महावतार बाबा जी शिव गुरक्ष बाबा जी को अलग अलग समझ रहे हैं उन्होंने हर संभव कोशिश की है कि इसमें वो बता सके वो दोनों किसी भी तरीके से अलग नहीं है ये एक ही सत्ता के दो अलग अलग नाम हैं। बस अलग अलग समय चक्र में अलग अलग टाइम पे जिन जिन शिष्यों को उन्होंने अपनी दीक्षा दी थी उस उस टाइम पे उनको अलग अलग नाम से जाना गया है तो जो महाअवतार बाबा जी हैं वो हमें जब उन्होंने लाहड़ी महाशय को दीक्षित किया था तब पहली बार पता चला था कि वो महाअवतार बाबा जी है नहीं तो उससे पहले भी वो थे और वो शिव बाबा जी के नाम से जाने जाते थे ठीक है इतना मैंने थोड़ा सा जो पहले सेशन लिया था उसका शॉर्ट में मैंने आपको भी एसेंस बताया हुआ है आगे हम जानेंगे इसमें उन महान सत्ताओं के बारे में जो ब्रह्मांड का कार्यभार संभाल रही हैं और किस तरह से ये ब्रह्मांड कार्य करता है और कौन कौन सी दिव्य शक्तियां हैं कौन कौन से स्तर पर बैठी हुई हैं उनके लेवल क्या हैं और वो क्या क्या काम करती हैं और थोड़ा सा इसको आज हम कनेक्ट करेंगे इंडियन स्पिरिचुअलिटी से वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी दोनों को कंबाइन करके हम चलेंगे इसमें क्योंकि बहुत सारे गॉड गौड़ और गॉडेसेस ऐसे हैं जिनको वेस्टर्न कल्चर में कुछ अलग नाम से जाना जाता है लेकिन बेसिकली वो अलग कुछ भी नहीं है सब एक ही चेतना है चेतना के स्तर पर सब एक है सिर्फ इस सापेक्ष जगत में मूर्त जगत में उन्होंने जो काम किए हैं आकर के उस रूप में उनके नाम अलग अलग हो गए हैं ठीक है तो आगे मैं बताती हूँ आपको ये देखिए ये महान अग्निशत्व ऋषि हैं यानी कि आपने ऋषियों के बारे में सुन सुना है सब जानते हैं कि ऋषि तारामंडल है उसी तरीके से ये शिव लॉर्ड शिवा का सबसे क्लोज एक मंडल है दल है जिसको की बोला जाता है महान अग्निशत्व ऋषि इस ऋषि के बारे में इन ऋषियों के बारे में इस मंडल के बारे में आपको गूगल पे कहीं नहीं मिलने वाला मैंने बहुत ढूंढा बहुत सारी पिक्चर्स निकालने की कोशिश की कि मैं आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बता पाऊं लेकिन इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है कहीं नहीं है सिर्फ इस बुक में ही है तो अग्निशत्व ऋषि के मंडल में कौन कौन से आते हैं उनको हम जानते हैं देखिए इस मंडल के जो मेन है जिसके अः अंडर में ये है जिनकी देख रेख करते हैं वो खुद लॉर्ड शिव है और शक्ति जिनको उमानाथ बोला जाता है जैसे कि मैंने पहले नवनाथ बताए थे जो उमानाथ हैं शिव की शक्ति जो है वो मिलकर के इस दल को देखते हैं अब इसमें सबसे पहले नंबर पे इस ऋषि के दल में आते हैं सनत कुमार जैसे कि आपको पता है सनत कुमार कौन है कार्तिकेय जी हैं जिनको आरकेज माइकल बोला जाता है सेकेंड नंबर पे आते हैं सनक कुमार जिनको की हम गणपति बोलते हैं गणेश जी उसके बाद है सदनंदन फिर है सनक सुजाता और उसके बाद है फिर है कपिल एंड रिबू ये जो ऋषि हैं सात ये सात मुख्य हैं जो यहाँ पे कार्य करते हैं पर इनके अलावा भी और भी बहुत सारे ऋषि हैं मास्टर हैं इवन हमारे अपने सूर्य देव भी इसी मंडल में बाबा जी की आभा में इसी में ही कार्यरत हैं इसी में कार्य करते हैं तो ये जो मेन थे जो सात ऋषि हैं इन्हीं को ही डिवाइन आर्क बोला जाता है क्रिश्चियनिटी में जो हम एंजल्स बुलाते हैं ना आर्क बुलाते हैं सेवन वो और कोई नहीं यही है इन्हीं को उस नाम से जाना गया है अब इनके जो काम है वो ब्रह्मांड का संचालन करना जैसे कि सनत कुमार हैं पहले और गणेश जी कैसे आपको पता है कि शुभारंभ करते ही है तो ये अपने अपने लेवल पे ब्रह्मांड के कार्यभार को संभाले हुए हैं हर एक को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि आप इस ऊर्जा को ध्यान रखेंगे आप इस ऊर्जा के स्तर पर कार्य करेंगे इस तरीके से पूरा ये ब्रह्मांड संचालित होता है और सारी चीजें सही तरीके से चलती है नेक्स्ट uh, ये जो है इसमें हम जानेंगे कि जो लॉर्ड शिवा है अब उनका पहला जो दल था वो था अग्नि शत्रु ऋषि का जिसको कि सेवन डिवाइन एंजल्स बोलते हैं ये आप सबको समझ में आ गया यानी शिव और शक्ति दोनों मिलकर के इसका संचालन करते हैं देन उसके बाद आता है व्यवस्थित मनु यानी जो मनु है जिनको बोला जाता है कि जो मानव की नींव जिनसे शुरू हुई है मानवता की संसार की नींव जो स्टार्ट हुई है व्यवस्थ से मनो यानी कि वो क्या कर रहे हैं तीसरे लेवल पे हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कलकी इज वर्किंग विद बाबा जी इन डिवाइन दिव्य कारण लोक यानी कि दिव्य कारण लोक है वहां पर कलकी के साथ में से मनो कार्यरत कर रहे हैं यानी भविष्य में जो भी घटनाएं अब होने वाली हैं उनका संचालन करना उनकी प्लानिंग करना उसकी देखरेख करना किस तरह से ऊर्जा के स्तर पर ये सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ वैव से मनु देख रेख कर रहे हैं और तो बाबा जी की देख रेख में ये सारे काम हो रहे हैं अब है नेक्स्ट हिरण लोक हिरण लोक के बारे में तो हम लोगों ने काफी सुन रखा है अब हिरण लोक क्या है वो उच्चतम स्वर्ग लोक है सोने का स्वर्ग लोक जहाँ सब कुछ गोल्ड का है और यहाँ पे क्या है जो युक्तेश्वर गिरी है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि जितनी भी हायर सोल्स हैं उच्च आत्माएं हैं जो आध्यात्मिक विकास करके उच्च स्तर पर जा रही हैं उनका और अपलिफमेंट कैसे हो वो और कैसे आगे बढ़े उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्ञानवता वो युक्तेश्वर जी को दी हुई है जो कि अब भविष्य में मनु सावरणी के रूप में आने वाले हैं और ये जो हमारी आ, मूल प्रजा जो हमारी मूल जाति है मानवता की वो सिक्स है यानी छठवी मूल जाति मानवता की छठवी मूल जाति के जो कार्यभार संभालेंगे जो लीड करेंगे इसको वो है मनु सावर्णी उससे पहले जो लीड कर रहे थे वो थे वैवस्य मनु जो कि है सूर्य के पुत्र अब उनका उत्तराधिकारी कार्यभार उन्होंने मनु सावर्णी को सौंप दिया है जो कि युक्तेश्वर गिरी है इसके अलावा ये जो है नेक्स्ट फिफ्थ नंबर इसमें है लॉर्ड सूर्य कश्यप जो सूर्य कश्यप जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य है वो भी बाबा जी के साथ अग्निशत्व ऋषियों के साथ में मिलकर के कार्यभार कर रहे हैं तो जो भी ब्रह्मांड में संचालन होते हैं, होते हैं हैं कार्य कौन नए अवतार लेंगे किसको किस रूप में आना है कहाँ पे क्या काम करना है बहुत सारी उच्चतर आत्माएं हैं जो यहाँ से जाती हैं अपने कार्य को करके लोक कल्याण के कार्य को करके आगे उनका कार्य किस तरीके से होगा ये सारा सब कुछ एक बहुत बड़े लेवल पे होता है जो हमारा ह्यूमन माइंड सोच भी नहीं सकता और लॉजिकल माइंड तो बिल्कुल नहीं जा सकता उस तरफ तो ये सारी चीजें तरीके से काम करती हैं अब इसके बाद में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इम्पोर्टेंट चीज के इसमें जो शक्ति है उमानाथ ठीक है वो क्या करती है उनका मेन काम क्या है कि ब्रह्मांड का संचालन यानी कि बाबा जी क्या है अकम्पिट है जैसा कि उस बुक में दिया हुआ है उस उसकित को कंपन देने का जो काम होता है वो ऊर्जा जो होती है वो पार्वती जी करती है नहीं शक्ति संचालन करती movement देती है ठीक वो मूवमेंट है वो मूवमेंट देती है ब्रह्मांड का संचालन करता ब्रह्मांड की सारी गतिविधियां उनको जो एनर्जी देते हैं जो मूवमेंट होता है वो पार्वती हैं गौरा हैं और इसके साथ साथ माँ पार्वती क्या करती हैं कि धरती पे जितने भी अब तक जो भी अवतार हुए हैं चाहे वो राम हो कृष्ण हो जीसस हो ठीक है चाहे वो आ, कोई भी आप ले सकते हो गिरी हो लाहड़ी महाशय हो कबीर हो जो भी हो जितने भी आज तक अवतार हुए हैं उन अवतारों को जो ग्रहण करने का जो गर्भ है यानी वो गर्भ की जो ऊर्जा है वो माताजी संचालन करती है माताजी उस गर्भ में उनको धारण करती है यानी कि जो भी हम लोग कंसीव करते हैं जो मदर बनने का जो कैपेसिटी है हमारा वो जो एनर्जी है वो माँ पार्वती है वो ये काम करती हैं मतलब पूरे दुनिया में ये काम चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता इससे आप कौन से धर्म से हो कौन सी जाति से हो जो दिया हुआ है कि अगर हर किसी के लेडी के पास ये पॉसिबिलिटी है गॉड ने ये उसको दिया है कि वो एक मदर बन सकती है तो वो किसी भी कास्ट की हो किसी भी रिलीजन की हो ये जो पावर है वो सबके पास एक जैसी है ह्यूमैनिटी में ठीक है ह्यूमन्स हो एनिमल्स हो बर्ड किंगडम हो एनिमल किंगडम हो सबके पास ये है तो वो जो ऊर्जा है वो क्या है वो ऊर्जा माँ पार्वती की है इसी को जब बहुत हायर लेवल पे ले जाया जाता है यही बहुत उच्च ऊर्जाओं वाला हो जाता है तभी जो अवतार है धरती पर आते हैं और इसके बाद में एक आपको यो, ये योगी राज गुरुनाथ सिद्धनाथ है इनका एक अनुभव बताना चाहूंगी इन्होंने अपना एक बाबा जी के साथ अनुभव शेयर किया है कि बाबा जी ने इनको ध्यान में जब ये बहुत समाधि की अवस्था में थे उस वक्त उनको कैसे आत्मज्ञान दिया और किस तरीके से उन्होंने उनको क्या चीज समझाई तो ये अनियन है जैसा कि आप लोग देख रहे हो तो उसमें वो बताते हैं कि जब वो ध्यान की अवस्था में थे तो वो गोशिपुरुष बाबा जी को देखते हैं और बाबा जी उनको इशारा करते हैं बिना बोले सारी बातें हो रही थी शब्दों में नहीं हो रही थी वो उनको इशारा करते हैं कि वो जो है ना उनके पीछे पीछे आए अब जो योगी राज थे वो उनके पीछे पीछे जाते हैं और बाबा जी उनको एक जगह ला करके पहाड़ी की ऊंचाई पर ले जा करके बैठाते हैं और फिर उनको इशारे में बोलते हैं वहां पे कुछ बीज और प्याज बिखरी हुई थी वो उनको इशारे में बोलते हैं कि प्याज को तुम लेकर के आओ वो लेकर के आते हैं अब उनको बोलते हैं कि धीरे धीरे इस प्याज को तुम इसकी लेयर्स को हटाना शुरू करो तो वो धीरे धीरे प्याज की लेयर्स को हटाना शुरू करते हैं हटाते हटाते उनको उस स्थिति में ऐसा लगता है कि उनके अंदर से कुछ है जो हटता जा रहा है तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसको हटाते गए तो लास्ट में एक ये जो पार्ट देख रहे हो ना आप ये बीच का बिल्कुल एकदम सिर्फ यही बचता है और बीज जैसा और कुछ भी नहीं बचता अब वो उनको समझ में नहीं आता कि ये बाबा जी उनको क्या समझाना चाह रहे हैं तो बाबा जी बोलते हैं कि ठीक है अब इसको भी तुम पीसेस कर दो तो उसको भी वो पीसेस कर देते हैं अब उसके बाद भी कुछ भी नहीं बचता कुछ भी नहीं बचता बिल्कुल शून्य बचता है खाली अब इस चीज से क्या मैसेज मिलता है अब वो उस चीज को जो बताते हैं उसके साथ साथ वो एक और एक्सपेरिमेंट कराते हैं उनको बोलते हैं कि वहां पे बहुत सारे फ्रूट्स के बीज होते हैं बीज रखे हुए थे उन्होंने बोला एक बीज को लेकर के आओ वो बीज को लेकर के आते हैं देन उसके बाद में वो बोलते हैं अब इस बीज को तुम आ, इसके अंदर खोल के देखो इसके अंदर क्या है अब उसके अंदर खोलते हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है और खोलते हैं तिनके तिनके को वो अलग अलग कर देते हैं कुछ भी नहीं होता खाली सिर्फ स्पेस होता है खाली जगह होती है अब बाबा जी उनको बताते हैं कि ये जो कुछ नहीं है ना इसी से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है अब इस चीज को वो समझाते किस तरीके से है ये जो प्याज की लेयर्स हैं, ये एक एक लेयर हमारे अंदर कैसी है जिसने हमारी सोल को उसके आवरण को ढक के रखा हुआ है यानी कि ईगो हो गया हेटरेट हो गई हमारी डिजायर्स, जेलेसी, और हमारा इग्नोरेंस हो गया अज्ञानता इस तरह की जो लेयर्स होती हैं हमारे अंदर ह्यूमन माइंड के अंदर वो क्या करती है ना जो हमारा रियल जो हमारा स्वरूप है आत्म स्वरूप है जो बोलते हैं ना हम गॉड कॉन्शियसनेस है वो हमारी गॉड कॉन्शियसनेस को लेयर्स ढक लेती है वो कवर कर लेती है इसीलिए हम अपने इनर जो सोर्स से डिवाइन कनेक्शन है उस उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि इतनी सारी चीजें हमें बाहर से ओढ़ के रखी हुई है तो हमारा कनेक्शन वहां तक नहीं बन पाता है तो जैसे जैसे हम प्याज के लेयर्स को हटाते हैं ना ऐसे एक एक करके अगर हम इन लेयर्स को हटाते जाएंगे तो हम अपने इनर कोर से कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि जब ये सारी लेयर्स हट जाती हैं तो क्या बचता है हमारी सोल और हमारी जो सोल है जो सोल की ज्योति है आत्मा का जो प्रकाश है वो ही बाबा जी का रियल मंदिर है उनका निवास स्थान है वहां पे वो रहते हैं हम सबके अंदर है अगर लाइफ सोल सबके अंदर है इट मींस बाबा जी सबके अंदर है बस हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते क्योंकि इतनी सारी लेयर्स को हमने अपने कई बर्थ्स में इकट्ठा किया हुआ होता है इसकी वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और अगर हम उसके भी अंदर चले जाते हैं तो वहां पे लास्ट में आकर करके एक नथिंगनेस होता है शून्य स्टेट होती है जहाँ पे कुछ नहीं होता और उसी से सब कुछ क्रिएशन होता है यानी कि अगर हम उस बीज को नहीं तोड़ें तो क्या होगा बीज को अगर हम सही तरीके से मिट्टी में डालेंगे तो उसका पेड़ निकल के आ जाएगा ना लेकिन उस बीज के अंदर तो पता नहीं चल रहा कि उसके अंदर पेड़ है लेकिन वो तो बाद में पता चलता है अब अगर खोल के देखो तो कुछ भी नहीं है तो क्या हुआ कुछ नहीं से ही सब कुछ सर्जित है तो यानी कि जो भी है अमूर्त संसार अमूर्त संसार यानी कि जो विजिबल नहीं है उसी से ही सारी चीजें प्रकट हुई हैं यानी अप्रकट से प्रकट हुई हैं यानी जितनी भी चीजें विजिबल है आपको दिख रही हैं सापेक्ष जगत की हैं मूर्त रूप में हैं वो सब कुछ अमूर्त से ही उत्पन्न हुई हैं ये समझ में आ रहा है आप लोगों को ठीक है अगर समझ में आ रहा है तो मैं इस तरीके से और कंटिन्यू करती हूँ नहीं तो फिर इसको तो दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन करूँ थोड़ा मैसेज में बताइए मुझे या अपना हैंड रेज कीजिए समझ में आ रहा है तो क्लियर है ओके okay. तो ये इस तरीके से हम सब अपने इनर सोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं और ये कुछ नहीं सही सब कुछ सजे थे और जो ये कर लेते हैं जो ये कर सकते हैं उसी को हम ईश्वर बोलते हैं कि यानी कि जो नहीं से भी कुछ भी प्रकट कर देते हैं वो ही ईश्वर है ऐसे ही बाबा जी अमूर्त जगत से यानी कि ऊर्जा जगत से जो नहीं दिखाई देता है उससे प्रकट हो जाते हैं इसलिए उनको प्रकट और अप्रकट कहा जाता है और कंपित अकंपित दोनों ही कहा जाता है ना तो उनका केंद्र है और ना ही उनका कोई स्टॉप है मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है और ना तो उनका जन्म है ना ही उनका मरण है वो सक, वो सत्ता है शुरुआत से ही है हमेशा से ही है ठीक है आगे हम जानेंगे इनका इनिशिएशन ऑफ इनकारनेशन बाय बाबा जी यानी कि इस बुक में बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर्स के बारे में बताया हुआ है जिनको कई जन्मों से बाबा जी दीक्षा देते आ रहे हैं और वो हमेशा हर जन्म में बाबा जी उनके गुरु रहे हैं और इसमें बहुत सारी चीजें आपको आज ऐसी भी जानने को मिल सकती हैं जो आपको काफी शौक कर देंगी लेकिन जैसा कि हम स्पिरिचुअल बींग्स हैं और हम हर चीजों को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें इस नॉलेज को भी एक्सेप्ट करना होगा कि ये चीजें भी पॉसिबल हैं तो देखिए पहला जो था शिव ने जो अपना पहला जो अपने आप को उन्होंने आम, अपने आप किस रूप में पहली बार वो आए थे ठीक है तो वो रुद्र है यानी कि रुद्र के रूप में शिव पहली बार आए थे उसके बाद में 6000 थाउजेंड बीसी में वो अग्नि रूप अग्नि रूप के समान जो काल के ईश्वर हैं उनके उनके रूप में आए थे देन उसके बाद वो 5000 थाउजेंड बीसी में, में आ, जो आ, उन्होंने बर्थ लेकर के खुद को ही उन्होंने दीक्षित किया था खुद को ही उन्होंने मतलब इनिशिएशन खुद ही उन्होंने दिया था देन 1400 BC में उन्होंने जो मूसा है उनको यहोवा कह लो आप यहोवा बोल दो उनके रूप में उनको उन्होंने इनिशिएट किया था एंड 70 BC में उन्होंने खुद को गोरखनाथ के रूप में प्रकट किया था तो ये तो थे बहुत 6000 BC से जो इस बुक में नॉलेज दी हुई है इससे पहले का भी होगा लेकिन इस बुक में नहीं दिया हुआ है आगे मैं आपको बताती हूं कि वो किस तरीके से उन्होंने किस किन मास्टर्स को उन्होंने इनिशिएशन दिया है देखिए ये आप देख रहे हैं राम और कृष्णा तो उन्होंने श्री राम के टाइम पे सात हजार बीसी और तीन हजार एक सौ दो बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट उसमें भी इन दोनों ही जो हमारे अवतार हुए थे उन दोनों को ही उन्होंने इनिशिएशन दिया था यानी कि उनको अनुग्रहित किया था उनको दीक्षा दी थी अब श्री राम है उनको वो तब उनसे मिले थे जब वो चौदह वर्ष का वनवास करके वापस अयोध्या में लौटे थे तब उनको जो है ना शिव गोरक्ष बाबा जी उस वक्त उन, उनको जो है ना आशीर्वाद देते हैं देन कृष्ण जो है उनके बारे में कहा जाता है ऋषि थे उनसे उनको पता चला था कि शिव गोरक्ष नाम बाबा जी का है और उनको किस तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है जो कि बहुत चमत्कारी हैं और बहुत पहुंचे हुए हैं तो कृष्ण उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से उनको मतलब जो कि पूजा अर्चना क्या है उनको कैसे पा सकते हैं उनके दर्शन कैसे पा सकते हैं तो श्री कृष्ण जगन्नाथ जगह पे और हिमालय में जाकर के कठोर तप किया था तपस्या साधना की थी तब जाके उनको शिव गोरक्ष बाबा जी ने क्रिया योग का जो आगे का गुण रह, जो रहस्य है गुण जो ज्ञान है और ज्यादा आगे जाने का वो उनको उन्होंने बताया था ये आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा है फोर्टीन हंड्रेड बी सी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये फोर्टीन हंड्रेड बी सी में ये जीसस क्राइस्ट का टाइम है यानी कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये पिक्चर है एक माउंटेन की जहां पे Uh, मूसा को जहोबा ने दर्शन दिए थे और ये जो पहाड़ी है जो माउंटेन है इसमें जलती हुई झाड़ी के रूप में उन्होंने दर्शन दिए थे और ये जो जहोबा है ना ये जहोबा ही uh, कौन है देखिए जहोबा मींस ग्रेट एरा यानी महाकाल गॉड ऑफ अलमाइटी इस बुक में ये बताया हुआ है कि जो जहोबा है वो शिव गोरश बाबा जी हैं उन्होंने ही मूसा को दीक्षित किया था क्रिया योग का ज्ञान दिया था और उनको जैसे जलती हुई झाड़ियां यानी कि बोल सकते हो जो नाग संप्रदाय है उसमें अग्नि का बहुत ज्यादा महत्व है तो उसी तरीके से उन्होंने मूसा को ये सा, ये दर्शन इस तरीके से दिए थे और उनको आज्ञा पत्र दिए थे दस ठीक है जो दस आज्ञा पत्र ऐसे थे जिनको कि हर एक व्यक्ति को जो भी क्रिया योग को सीखेगा आगे अपने इनर जो सोर्स है उससे कनेक्ट होगा उसको वो फॉलो करने होंगे तो ये बाबा जी ने उनको दिए हुए थे और उनको इसके साथ साथ ना बाबा जी ने ये आशीर्वाद भी दिया था कि से मनु के उत्तराधिकारी सक्सेस मीन उत्तरा उत्तराधिकारी जो होंगे भविष्य में आगे जा करके वो मनु सावर्णी के रूप में ह्यूमन फॉर्म में आएंगे यानी कि उनको ये उस वक्त आशीर्वाद जो हम सुनते हैं ना कल की अवतार के बारे में कि जीसस क्राइस्ट में उनका दोबारा आने का आगमन है बहुत सारी बातें अलग अलग धर्मों में हो रही हैं इस बुक में ये बताया हुआ है कि वैवत् मनु जो है भगवान वैवत् मनु जो है उनके उत्तराधिकारी जो नेक्स्ट होंगे वो मनु सावर्णी के रूप में आएंगे और जो की खुद जीसस है मूसा है तो ये इस बुक में बताया हुआ है और इसमें ये बताया हुआ था कि बाबा जी ने जो उनको दस आज्ञा पत्र दिए थे वो दस आज्ञा पत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो थी कि कोई भी पर्सन किसी को भी मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और उनके सामने कोई मूर्ति नहीं रखी जाएगी इसको लोगों ने बहुत अलग तरीके से लिया उन्होंने सोचा कि स्थूल मूर्तियां जैसे हम मूर्तियों की पूजा करते हैं यहाँ उसके बारे में बात की जा रही है लेकिन यहाँ पे इसका बहुत डीप मीनिंग है यहाँ पे मूर्ति पूजा का मीनिंग है इस शरीर रूपी मूर्ति की यानी कि अपने खुद की Uh, जो हमारा बॉडी है जो रक्त मांस और इन सबसे बना हुआ है इस मूर्ति की पूजा नहीं की जाएगी नहीं, शरीर की पूजा नहीं की जाएगी कुछ लोग अपने मन को अपने डिजायर्स हैं, अपने, अपने जेलिसी है और अपनी विश होती है बहुत सारी चीजें अपना ईगो है इन सबको ऊपर रखते हैं इन सबको पूछते हैं इन सबको ऊपर रखने का मीनिंग हुआ कि आप इन चीजों की पूजा कर रहे हो तो आपको अपने शरीर की पूजा नहीं करनी है आपको कहाँ जाना है इनर सोर्स से कनेक्ट होना है और आपके अंदर जो इनर सोर्स है उसको आपको पूजा करना है उसका रास्ता अंदर होकर के जाता है जो कि योग के माध्यम से है और जो उनको बाबा जी ने क्रिया योग के माध्यम से बताया था लेकिन उस वक्त क्या हुआ था ना जो जीसस है जैसे कि बताया हुआ है इसमें वो उनके सामने शिव गोरश बाबा जी महाकाल के रूप में उनको दर्शन दिए थे ये जो है इनको जयहोबा बोला गया है लेकिन इस बुक में बताया है कि उन्होंने महाकाल के रूप में दर्शन दिए हुए थे और वो महाकाल के रूप में दर्शन उन्होंने एक लहाड़ी महाशय को दिए थे और एक लहाड़ी महाशय का पहले का जन्म था आगे डिस्कस करेंगे एक उन्होंने उनको दिए थे अब लोग क्या करने लग गए थे अपने इनर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने की बजाय लोग मूर्ति पूजा करने लग गए और वो सोचने लग गए कि बाहर की जो मूर्ति पूजा है उसी को मना किया गया है कि उसको पूजा नहीं करना है लेकिन ये गलत मैसेज लोगों के साथ लोगों ने इस तरीके से लिया तो आगे इस बुक में बताया हुआ है कि जो जीसस थे मूसा थे वो उस टाइम पे अपना वर्क या अपना मैसेज लोगों को इस तरीके से नहीं दे पाए थे जिसकी वजह से उनको आगे भी रिबर्थ लेना हुआ अब इसीलिए मैं आपको तो बोल रही थी कि अपने माइंड को आप थोड़ा सा ओपन रखिएगा स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स को टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं उन चीजों को समझने के लिए आगे देखिए इसमें दिया हुआ है फोर्टीन बी मैं यहाँ बहुत थोड़े बर्थ बता रही हूँ इस बुक में लंबी लिस्ट है काफी सारे बर्थ बताए हुए हैं लेकिन मैं सिर्फ मेन मेन ही बता रही हूँ जिसको डिटेल में जाना हो और स्टडी करनी हो रिसर्च करनी हो इसके ऊपर तो वो बुक को रीड कर सकता है मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि 14 बीसी में एक मूसा थे उनके उन, उनका बर्थ था उसके बाद में 400 बीसी में जो पहले शासक थे मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य उनके रूप में उन्होंने बर्थ लिया देन 56 सिक्स बी सी में विक्रमादित्य उज्जैन के राजा जो विक्रमादित्य थे उनके रूप में उन्होंने जन्म लिया और उसके बाद है 1855 में उन्होंने ज्ञान अवतार युक्तेश्वर गिरी के रूप में जन्म लिया तो आप कह सकते हो ज्ञान अवतार युक्तेश्वर गिरी का जो प्रीवियस बर्थ था बहुत पहले वो जीसस का था ठीक है और भविष्य में भी वो आने वाले हैं हमारी छठी मूल जाति के विश्व सम्राट बन के मनु सावर्णी के रूप में आएंगे जो कि स्वयं युक्तेश्वर गिरी हैं अब आप उन्हें युक्तेश्वर गिरी बोल सकते हैं आप उन्हें जीसस बोल सकते हैं आप उन्हें मनु सावर्णी बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है इसमें कई सारे नामों से अलग अलग बताया हुआ है और जो मनु सावरणी है वो कल से बहुत 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 कनेक्टेड है लहाड़ी महाशय युक्तेश्वर गिरी और ये क्या बोलते हैं मनु सावर्णी जो युक्तेश्वर गिरी का नाम है जो भविष्य में आने वाले हैं उसके रूप में उनका बताया हुआ है अभी एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं आगे लहाड़ी महाशय के भी प्रीवियस बर्थ में आपको बताऊंगी वो जो कौन से वंश से थे चंद्र सूर्य और अग्नि यानी कि ये जो मानव जाति है हमारी ये तीन वर्गीकरण से ही रिलेटेड है अग्नि सूर्य और चंद्र अग्नि के अवतार ले चुके हैं उनका कार्य खत्म हो चुका है अब बाकी है सूर्य वंश की और चंद्र वंश की तो जो युक्तेश्वर गिरी है वो सूर्य वंश से रिलेटेड है और लहाड़ी महाश है चंद्र वंश से रिलेटेड है आगे उनके बर्थ में हम जानेंगे कि वो कैसे ठीक है इतना आपको समझ में आ गया यानी कि सूर्य वंश और चंद्र वंश इन दोनों की स्थापना भी होनी बाकी है जो कि अब भविष्य में जो भी चीजें होंगी स्पिरिचुअली जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले दो तीन सालों में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं इतनी ज्यादा चेंजेस इतनी जल्दी आना पॉसिबल नहीं थे बहुत फास्ट सब कुछ चेंज हो रहा है तो आगे बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही है इसके पीछे तो वो भी आगे जानेंगे यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको ठीक है अभी ये नेक्स्ट हम जानेंगे 500 हंड्रेड बी में भोगनाथ के बारे में भोगनाथ भोगानाथ बोल लीजिए लाउड्स टू बोल लीजिए इनको आप अलग अलग नामों से जान सकते हैं यानी लाउड्स जो जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका मालूम नहीं है कि वो कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए और चीन में इतना विशाल क्रांति लेकर के आए थे ज्ञान की उन्होंने इतना स्पिरिचुअल नॉलेज दिया इतना डीप कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया वो आया कहाँ से वो किसी को कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में लेकिन इस बुक में बताया हुआ है कि बोगार नाथी लाउस जो है जिनको कि शिव गोरक्ष बाबा जी के आशीर्वाद से उनकी ही अनुमति से वो चीन में गए थे क्रियायोग का प्रचार प्रसार करने के लिए लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो भी वहाँ पे मास्टर्स गए हैं इंडिया से उनका नाम कहीं नहीं लिया जाता उनका नाम ही हटा दिया जाता है और वो उस चीज को अपना ही बताते हैं तो ठीक यही हुआ था यानी कि भोगनाथ जो है अः बोगारनाथ भोगनाथ आप इनको बोल सकते हो वो भी गए थे बट उनका जो नाम है उनकी शिक्षाएं लेने के साथ वो फॉलो करते हैं बट उनका नाम हटा दिया गया उन्होंने उनको अपना नाम दिया लाउस जो लेकिन इसके पीछे वो कहाँ से आए थे ये कहीं नहीं बताया हुआ है तो इसमें जो है काल अग्निनाथ उन्होंने भोगनाथ को बनारस में इनिशिएशन दिया था अब उनका इनिशिएशन क्या था कि काल अग्निनाथ खुद बहुत मतलब जैसे रुद्र है रुद्र के बाद जो शिव ने खुद को उपस्थित किया था खुद को प्रकट किया था वो काल अग्निनाथ के रूप में उन्होंने किया था और ये दोनों ही जो काल अग्निनाथ है और भोगनाथ है दोनों ही नाथ जो परंपरा है उसी से ही रिलेटेड है अब बाबा जी ने बहुत ही गुप्त और बहुत ही रहस्यमय जो विज्ञान है अनश्वरवाद का यानी कि पूरा संजीवनी का कि आप कभी नष्ट नष्ट नहीं हो सकते हमेशा जीवित रहेंगे अनश्वरवाद का जो सिद्धांत था जो उसका विज्ञान था वो उन्होंने उनको सिखाया किसको सिखाया भोगनाथ को सिखाया उन्होंने उसके बाद में उनको ये बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं जिसकी वजह से संजीवन शरीर धारण कर सकता है इसके पीछे का एक विज्ञान है जो मैं आगे के सेशन में आपको कंटिन्यू और आराम से बताऊंगी अभी मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ और मर्क्यूरी जो होता है मर्क्यूरी के बारे में इसमें मर्क्यूरी सल्फर और सॉल्ट तीन मेन इसमें बताए हुए हैं उनका कुछ केमिस्ट्री कुछ लैब में कुछ उनका कुछ तो भी होता है मैं केमिस्ट्री स्टूडेंट नहीं हूँ जितना मुझे समझ में आया मैं उतना बताती हूँ कि मर्क्यूरी हम सबके बॉडी में है एक तो मर्क्यूरी धातु है जो आपको बाहर दिखती है एक मर्क्यूरी सल्फर सॉल्ट ये तीनों के तीनों हमारे शरीर में विद्यमान है ये रस जो है ये ये रस विद्या है ये जो हमारी बॉडी में रस है इनका अगर सही तरीके से मेल हो जाए यानी कि जो क्रिया योग के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से हम जो अपने शरीर जो ध्यान करते हैं वो सिर्फ एक आंख बंद करके बैठना ध्यान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है आप सोच नहीं सकते कि उस वक्त हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं ये हमारे लॉजिकल माइंड के बियॉन्ड की चीज है आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये क्या चीज है तो उस वक्त हमारे बॉडी के अंदर जो मर्क्यूरी रस होता है एक लिक्विड होता है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है और इसके अलावा और भी कई सारे रस हैं अगर हम उनको सही तरीके से प्रोसेस करते हैं अपने अंदर और जब वो एक लेवल पे पहुंच जाता है बोल सकते हो कि थर्ड आई चक्र तक पहुंच जाता है वो मर्क्यूरी जो नीचे हमारे मूलाधार चक्र में रस होते हैं वो तीनों को ऊपर उठाने की विद्या है एक जब ये ऊपर हायर लेवल पे चक्रा से पहुंच जाती है तब धीरे धीरे करके आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि आपको अगर आप पानी नहीं पियो खाना नहीं खाओ तो भी आप जिंदा रह सकते हो अगर आप ये जो हम सांस लेते हैं जैसे अभी हम लोग ले रहे हैं अगर हम ये नहीं लें जैसे कि योगी होते हैं हमेशा समाधि स्थिति में रहते हैं वो समाधि अवस्था में जो सुषुप्ना नाड़ी से सांस ली जाती है वो उससे लेते हैं यानी कि हमारी चंद्र और सूर्य नाड़ी से सांस नहीं लेते वो सिर्फ और सिर्फ नाड़ी से सांस लेते हैं उस स्टेट में जाकर के मरक्यूरी क्या काम करता है आपको अमर बनाने का काम करता है, ये एक है जो इसमें बताया हुआ है ठीक है तो उससे रिलेटेड कुछ मर्क्यूरी की गोलियां थी वो उन्होंने उनको खिलाई थी जिससे कि वो अमर तत्व को प्राप्त कर सके ठीक है अब जो भोगनाथ है वो क्रिया योग को कुंडलिनी ज्ञान को लेकर चीन में गए अब चीन में चीन वासियों ने उनके जो श, जो उनके शिष्य थे उन्होंने उसको लिया समझा और उसको यीन यांग के नाम से वो फेमस हुआ यानी यीन यांग जो हम बोलते हैं वो कुछ वो कुंडलिनी ही है जो कि ने या भोगनाथ ने उनको सिखाया था अब हुआ क्या वहां पे ये जो प्रैक्टिस है इसकी उन्होंने इतना डीपली उसको नहीं लिया और उन्होंने अपने अपने काम के लिए यानी कि पैसे को अर्जित करने के लिए उन्होंने उस चीज का यूज किया लेकिन आज भी ये जो योग है वो अपने सही फॉर्म में ट्रू फॉर्म में भारत में सुरक्षित है और बताते हैं योगीराज के अभी भी अगर कोई सैलानी आता है यानी कि चाहे वो अमेरिका से हो चाहे चीन से हो चाहे जापान से हो अगर वो सिर्फ खोज करने के लिए आता है कि क्या है शक्ति ऐसी योग तो हर किसी को ये आसानी से नहीं दिया जाता क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मिस हो जाता है अभी ये जो हम लोग ध्यान करते हैं जो हम लोग अपनी सांसों का आना और जाना रहता है ये जो योग है हमारा इसको वहां पे क्या बोला गया ताई ची के नाम से जाना जाता है ठीक है तो यानी कि जो भी हमारे यहाँ से ज्ञान गया है चाहे वो वेस्ट में गया हो चाहे ईस्ट में गया हो वो इंडिया से ही गया है और यहाँ के ही निस्वार्थ और बहुत ही बोल सकते कि आप जो प्रेम और करुणा से भरे हुए जो हमारे योगी हैं मानवता के कल्याण के लिए जग जग में जा करके वो ज्ञान देते हैं चाहे उनका नाम इसमें आए या ना आए उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं ठीक है इसी तरीके से जो आ, 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 और भी नाथ थे और भी यो गुरु थे इसमें जो साउथ अमेरिका भी गए थे तो साउथ अमेरिका में जो माया सभ्यता है ना वो टाइम पे भी वो लोग गए हुए थे इतने पुराने भी हैं और उन्होंने वहाँ माया सभ्यता का कैलेंडर भी बनाया था उनके त्योहारों को उनकी डेट्स को भी बताया था उन्होंने ये भी कहा था कि 2012 में ये कैलेंडर खत्म हो जाएगा लेकिन लोगों ने उस चीज का गलत मतलब निकाल के ये सोचा कि 2012 में पूरी दुनिया ही नष्ट होने वाली है जबकि वो सिर्फ उस काल चक्र को खत्म होने की बात कर रहे थे कि ये जो युग है दो में वो एक युग खत्म हो जाएगा उसके बाद एक नया स्पिरिचुअल एरा स्टार्ट होगा जिसके बारे में आगे नहीं बताया था उतना ही बताया हुआ था आगे आपको बताती हूँ राजा भ्रतहरिनाथ के बारे में ठीक है राजा भ्रतहरिनाथ लाड़ी भाषा का जन्म है ये और ये और उज्जैन के राजा हैं राजा भ्रत हरिनाथ और उनके भाई ठीक है ये दो जो थे एक साथ हैं जैसे कि युक्तेश्वर की और लाड़ी महाशय इसी तरीके से राजा भरतहरिनाथ और इनके एक भाई भी हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी तो मेरा पीपीटी का कोई यूज नहीं रहेगा थोड़ा आगे बताती मैं वो दोनों भी साथ साथ ही थे तो राजा के बारे में कहा जाता है कि ये अब जब राजपाट थे तो बहुत अच्छे राजा थे लेकिन इनकी वाइफ के मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने पूरा संन्यास जीवन को अपना लिया और इन्होंने ये संकल्प लिया कि अब ये योग के रास्ते पर चलेंगे और अपने गुरु गोरक्षनाथ के साथ आगे तपस्या करेंगे या आगे जो भी काम होना है उसमें उन, उन उसमें वो चले जाएंगे तो ये राजा भरतहरिनाथ इतने महान हुए हैं नाथ परंपरा के कि इनको शिव गोरच बाबा जी ने क्रिया योग के माध्यम से इतना गुप्त ज्ञानों में दीक्षित किया था कि इन्होंने एक हजार साल तक अपने शरीर को जिंदा रखा एक हजार साल तक और वो कब तक रखा जब तक कि उनको नेक्स्ट बर्थ सही तरीके से उनकी प्लानिंग नहीं हो गई मतलब उनको लगा कि हाँ अब उनको एक उपयुक्त नेक्स्ट बर्थ में जाने के लिए वो तैयार है या उनको मिल रहा है तब उन्होंने अपना बॉडी जो है ना तब उन्होंने अपने आप को समाधि उन्होंने लिया एक हजार साल तक उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा था राजा भरतहरिनाथ की बहुत सारी बुक्स हैं जिनको की काफी सारे लोग देख सकते हैं नेट पे <coughs> और ये उस वक्त तैयारी कर रहे थे बोल सकते खुद को तैयार कर रहे थे भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए जैसे कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो लाहड़ी माशे का ही बर्थ है पर इसके बीच में भी उनके बर्थ हुए थे और उस बीच के बर्थ में उन्होंने क्या मतलब एक ये चीज बताना चाह रही हूं मैं कि कोई भी मास्टर है अगर वो आज इस स्थिति तक पहुंचा है तो उसके बहुत सारे जन्म लेकर के अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा करके तब वो यहाँ तक आए हैं और आगे भी वो चीज कंटिन्यू है ये एंडलेस है ये वर्क चलता रहता है आगे आ, हम जानते हैं संत कबीर के बारे में अब इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कबीर भी लाड़ी महाशय का प्रीवियस बर्थ है यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने बर्थ लिया था वो लाड़ी महाशय के रूप में ही लिया था संत कबीर के बारे में ये आप सभी लोग जानते होंगे स्टोरी कि उनका बर्थ तो एक हिंदू फैमिली में हुआ था बट उनका जो पालन पोषण है वो एक मुस्लिम फैमिली ने किया था और संत कबीर जो है उनको शिव गोरक्ष बाबा जी ने दीक्षित किया था उनको क्रिया योग की दीक्षा दी थी और इस और ये भी बोला जाता है कि संत कबीर के बारे में कि जब वो इस समाधि में चले गए थे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था उस वक्त हिंदू मुस्लिम में बहुत बंटवारे हो गए थे झगड़ा हो गया था तो उस वक्त संत कबीर खुद उनको सा, साक्षात दर्शन देते हैं प्रकट होते हैं और उस अपनी जो बॉडी से कपड़ा हटाने को बोलते हैं तो जब वो कपड़ा हटता है तो उनकी जो बॉडी है वो गुलाब के फूलों में बदल जाती है और फिर वो उनको बोलते हैं कि मैं पूरे जीवन यही बोलता रहा कि जात पात और ये सारी चीजें नहीं है हम सब एक ही हैं बट उसके बावजूद भी उनको लास्ट में इस चीज को समझाने के लिए दोबारा आना पड़ा और इस तरीके से हिंदू मुस्लिम जो है उन्होंने उनके फूलों को अपने अपने हिस्से में ले लिया ये इस तरीके से उनकी स्टोरी है संत कबीर की और ये उसके बाद में उन्होंने लाड़ी माशे के रूप में जन्म लिया जो कि आगे मैं बताती हूँ पहले हम जानते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में गुरु नानक देव जी का जो टाइम है वो 1470 से तक का है अब गुरु नानक देव जी के बारे में ये है कि गुरु नानक देव जी स्टार्टिंग से ही अपना बहुत ही साधारण जीवन और बहुत ही अच्छा बोलते हैं अच्छे आचरण वाला उन्होंने रखा था क्योंकि वो खुद को शिव गोरश बाबा जी से मिलने के लिए और उनसे दीक्षा लेने के लिए खुद को आ, उस प्रोसेस में थे उन अपने आप को मतलब जानते थे कि किस लेवल पे उनको पहुंचना है जब वो इस तरीके से करेंगे फिर उसके बाद उन्होंने जब शादी की तो उनकी वाइफ भी बहुत आ, अ, मतलब एक उन्नत बोल सकते हो उन्नत योग की स्थिति में पहुंची हुई थी और उन्होंने फिर उनको शिव गुरक्ष बाबा जी जब उनको दर्शन देते हैं उनको योग सिखाते हैं उनको खुद शिव गुरक्ष बाबा जी ने क्रिया योग की दीक्षा दी हुई है तब वो दोनों उनसे एक संतान की प्राप्ति की मांग करते हैं वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे थ्रू एक जो भी संतान आए वो अध्यात्मिक ही आए और आगे अध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए आए तो फिर उसके बाद श्री पुरुष बाबा जी उनको आशीर्वाद देते हैं और श्री चंद्र जी जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं वो शिव का ही रूप है वो आते हैं और उन उनके उन मतलब उन उनके थ्रू वो बर्थ लेते हैं श्री चंद्र जी ये उनके फर्स्ट बेटे हैं उनके दो बेटे हुए थे तो आ, और इसके बाद में जो श्री चंद्र जी हैं आगे जा कर के जो गोल्डन टेम्पल है स्वर्ण मंदिर वो उनके ही नाम से है और योगी ताजी बताते हैं कि आज भी उनके मंदिरों में जब श्री चंद्र जी की आरती होती है तो जो पुराने मंदिर हैं जो इस बात को जानते हैं और इस जो एक रीत है जो बहुत टाइम से चलती आ रही है कि उसके बाद में शिव पुरुष बाबा जी की आरती से ही समापन किया जाता है अगर वो समापन नहीं करते तो वो उसको पूर्ण नहीं मानते लेकिन कुछ जो है जैसे जैसे टाइम के साथ साथ कुछ चीजें बदलती जा रही हैं तो कुछ लोगों ने इस जो ये कस्टम जो उनको उनकी जो प्रथा चलती आ रही थी आरती वाली वो उन्होंने खत्म कर दी अब श्री चंद्र जी के बाद में श्री पुरुष बाबा जी की आरती नहीं की जाती है कुछ जगह पे तो ये उनके बारे में बताया हुआ था और भी बीच में काफी सारी स्टोरीज हैं इसकी अः मैं पहले कंप्लीट कर लूँ फिर टाइम होता है फिर मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ और इन्होंने उदासीन संप्रदाय की स्थापना की थी जो ये श्री चंद्र जी हैं उन्होंने लाड़ी भाशे अभी जो लाड़ी भाशे हैं हम सब उनके बारे में जानते हैं कि उनका बर्थ बंगाल में हुआ था और घुगरी नदी के पास में हुआ था बाबा जी उनके बारे में ये चीज लिखते हैं ये चीज खुद गो, गो, योगी राज ने भी लिखी हुई है स्टोरी कि बाबा जी एक ऐसी सत्ता है जिसका वो एक बार हाथ थाम लेते हैं जिस जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं वो चाहे कहीं भी रहे किसी भी जगह पे हो कहीं भी जन्म ले वो चाहे उनको भूल जाए लेकिन वो एक जैसे बर्ड होती है ना अपने बच्चे की केयर करती है उसी तरीके से वो एक पक्षी के जैसा अपने शिष्यों की हर जन्म में रक्षा करते हैं जब वो बताते हैं कि जब लाहड़ी महाशय छोटे थे तो वो घुगरी नदी में अपने ऊपर बालू की मिट्टी डाल करके और समाधि की अवस्था में ध्यान लगा के बैठ जाया करते थे तो बाबा जी उनको बोलते हैं कि मैं तुमको तब भी देखता था और जब तुम अपनी माँ के गर्भ में थे मैं तुमको तब से देख रहा हूँ उसके बाद में तुम अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए कि तुम बिल्कुल इन, इस आध्यात्मिक राह की राह की तरफ नहीं आ रहे थे तो फिर जब वो रानी खेत में उनका बाबा जिनका जॉब के सिलसिले में जाना हुआ था उनका आई थिंक ट्रांसफर हुआ था तब उनको बाबा जी ने उनको बुलाया था रानी खेत के पास में गुफा में उनको बुलाया था और जो उनको लेके गए थे वो आपको पता है महेश्वर नाथ बाबा जी जो श्री एम की बुक में पहले पढ़ चुके हैं फिर उन्होंने उनको उनके थर्ड आई पे अपना अंगूठा रख के ऊर्जा दे करके उनके पूर्व जन्मों को जागृत किया जिससे कि उनको पता चला कि वो बाबा जी के साथ हैं और बाबा जी का ही जो काम है क्रिया योग का वो इस जन्म में किस रूप में करने के लिए आए हैं इससे पहले के जन्म आपको पता है इस रूप में वो ग्रस्त के रूप में दोबारा उसको बताने के लिए आए हैं कि जो इतने बीच में संसार भूल गया था उसको तुम दोबारा से संसार को दो और उस ज्ञान को जो पहाड़ों में गुफाओं में है यानी कि बोल सकते कि एक भागीरथी गंगा लेकर के आए थे हिमालय पर्वत में ऊपर आकाश से उसी तरीके से हिमालय में बसा हुआ जो गुप्त ज्ञान है रहस्यमय ज्ञान है वो लहाड़ी भाशय के माध्यम से दोबारा सबको मिलना शुरू होता है जो कि क्रिया योग के माध्यम से मिलता है लहाड़ी महाशय जो है अभी इस समय जो कल की अवतार है उनके गुरु है जगत के जो मास्टर हैं वो हैं और युक्तेश्वर गिरी जगत के सम्राट के रूप में आएंगे मनु सावर्णी के रूप में आएंगे और ये जो लहाड़ी माशे हैं युक्तेश्वर गिरी हैं दोनों के ऑब्जर्वेशन में कल जी हैं और उनकी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है या जो भी कार्य होना है अब देखिए इसमें दो चीजें हैं मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ मैं आपको बता दूँ इसमें दो बातें बताई हुई है एक तरफ ये बोला गया है कल की चैप्टर में आगे नेक्स्ट बताऊंगी लेकिन थोड़ा सा बताती हूँ कि जो कल की अवतार है वो हमारे मेंटल बॉडी पे है मतलब बोल सकते हैं मेंटल बॉडी पे काम हो रहा है हमारा जो आ, सोच विचार है हमारा थॉट्स है ये सब कुछ जो बदलाव इतना तेजी से आ रहा है ये कल की अवतार के आने की ही तैयारी है ठीक है जो भी स्पिरिचुअल एरा इतनी फास्ट तरीके से बढ़ रहा है लोग स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं ये कल की अवतार के आने की तैयारी है और ये कल की अवतार फिजिकली तो इसमें एक चीज बोली हुई उनकी मदर का नेम बोला हुआ है अब मैं उससे कंफ्यूज हो रही हूँ कि वो फिजिकली आएंगे या नहीं लेकिन एस्ट्रली जो है वो समझ में आ गया है हमारा जो मेंटल बॉडी है उस पर कल की काम कर रहे हैं ठीक है और जो बाबा जी हैं वो हमारे सोल लेवल पे बोल सकते हैं कॉस्मिक लेवल पे काम कर रहे हैं जो हमारी आत्मा का स्तर है आत्मा का स्तर सबसे ऊंचा वाला जो स्तर है ना उस लेवल पे बाबा जी कार्य कर रहे हैं तो दोनों मिल करके इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं और इसमें जो देख रेख की जा रही है वो युक्तेश्वर गिरी और लाहड़ी महाशय जी के अंडर में हो रहा है आगे जो है बहुत सारा है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी अभी हम जानते हैं युक्तेश्वर गिरी जी के बारे में युक्तेश्वर गिरी जी का जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका पहला जन्म जो इसमें बताया है बुक में वो जीसस का था तो अभी मैं कुछ चीजों को रिलेट कर पा रही हूँ कि युक्तेश्वर गिरी जी के जो शिष्य थे परमहंस योगानंदा उनको भी उन्होंने वेस्ट में ही भेजा क्रिया योग का ज्ञान देने के लिए और खुद जो युक्तेश्वर जी हैं उन्होंने भी बुक लिखी होली बुक उनकी जो है ठीक है उस बुक का नाम वेस्टर्न जो आ, कल्चर है उसमें जो जो बुक है जीसस क्राइस्ट की बुक और गीता इन दोनों का कंबाइन करके बुक निकाली है होली बुक की होली बुक के नाम से ये, शायद उसका अः करके कुछ नाम है उस बुक का हिंदी में तो वो जो बुक है उसमें भी उन्होंने कोशिश की है कि सबको एक मिला करके बताने की कि कोई धर्म कोई जाति नहीं है जो भी है सब एक ही है सब ज्ञान जो है वो एक ही है उनको मिक्स करके उन्होंने बताया हुआ है और अभी का बता बताते हैं कि जो युक्तेश्वर गिरी है वो वेस्ट अमेरिका में ठीक है अः कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर वो जो वहाँ की जगह है वो स्परिचुअल spiritual, स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत आदर्श स्थिति है वहां पे वो काम कर रहे हैं अब किस रूप में काम कर रहे हैं वो इसमें ओपन नहीं किया है इतना बता दिया है कि युक्तेश्वर गिरी वहाँ पे इस, ए, कुछ कुछ लेवल पे काम कर रहे हैं और वो शायद फिजिकली मौजूद हैं यहाँ वहां पे जो काम चल रहा है उसमें अब वो किसके नाम से है क्या है इस चीज ने बुक में ओपन नहीं किया इतना हिंट दे दिया है अब वो और देखते हैं आगे हो सकता है मेरी समझ में मैं इतना समझ पाई हूँ आप लोग बुक रीड करेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्लू मिलते जाएंगे हिंट मिलते जाएंगे आप अपने लेवल पे इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या बताना चाह रहे हैं और फिर प्लीज मुझे भी और हम सबको भी समझाने में कोई हेल्प करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे जो समझ में आया इस बुक के थ्रू वो ये समझ में आया यानी कि अभी भी युक्तेश्वर गिरी जी हैं और वो कोई योग की प्रैक्टिस कराते हैं वो कैलिफोर्निया में है अभी आज के लिए मैं इतना ही बताती हूँ क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो समझ में नहीं आएगा और कुछ मुझे समझ में आएगा तो मैं आपको आगे बताती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू शिल्पी बहुत सुंदर बहुत सुंदर लग रहा था तुम बोलते जाओ हम सुनते जाए बाबा जी के बारे में तो फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया चाहे आर्किंजल बोलो चाहे गणेश हमारे सनत कुमार थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैंने जो थियोसोफिकल में पढ़ा है सनत कुमार ब्रह्म के पुत्र हैं जो कर्मा लॉर्ड्स के रूप में काम करते हैं हर आर की शंभाला में है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है पर इन सब कंफ्यूजन में क्यों पढ़ना जो भी है हमारी हर पूरे समय ह्यूमेनिटी के कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और यदि हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो कम से कम हमको अपने आप को शाबाशी देना चाहिए कि कम से कम इतने बड़े जो स्पिरिचुअल एरा भी चल रही है उसमें कम से कम हम चल तो पड़े हैं लोग तो अभी तक के अपने संसार में ही अपने को बॉडी और माइंड मान के ही चल रहे हैं कम से कम इतना ज्ञान तो हमें पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के द्वारा आया है और कम से कम अवेयर हो गए हैं मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हम सब लोग कोई बैड कर्मा ही नहीं कर रहे हैं देखिए कभी किसी के लिए गलत भावना भी आ जाती है कभी जेलसी भी आ जाती है कभी क्रोध भी आ जाता है कभी हार्श वर्ड्स भी हम बोल देते हैं तो बैठकर्मा तो बन रहा है पर हाँ जितना अवेयरनेस आ गई है उससे जो हम Uh, क्या बोला थी बोरा भर के बना रहे थे क्वांटिटी <laughs> कम हो गई है हमारी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ते जाती है हम समझ आते हैं कि अब अब गलत चल रहा है अब अब किसी के लिए गलत सोच रहे हैं चलो अपने माइंड को डाइवर्ट करो तो इतनी अवेयरनेस आ गई है इस पाथ पे हम चल रहे हैं तो अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड मानना चाहिए और शिल्पी मुझे तो जब तुम बता रहे थे तो कई बार गूसबम्स आ रहे थे और मुझे लग रहा था कि हम लोग कितने लकी सोल्स हैं कि ठीक है अब उनके बराबर वो तो एक अलग लेवल की बात है पर कम से कम हम एक छोटी सी एक रिपल तो क्रिएट कर रहे हैं ना इस यूनिवर्स में मेडिटेशन को फैलाकर ठीक बोल रही हो कि नहीं शिल्पी यस मैम सही बोल रहे हो <laughs> तो चलिए उत्ते में भी हम बहुत खुश है मैं तो बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ तो फ्रेंड्स यदि किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग इन सब के कारण आप लोग और इस मेडिटेशन पे बिलीव करिए और मत सोचिए कि हमको अपने किसी भी या बाबा जी को इन्वोक करना है, उनका आह्वान नहीं करना है मैम और... बोल बोलूं आपको, जब आ, मैं ये बुक पढ़ रही थी ना और ये नॉलेज मुझे मिल रही थी तो उस वक्त मैं ये तो नहीं सोच रही थी कि बाबा जी से मैं कनेक्ट हूँ या, या हो जाऊँ ऐसा कुछ लेकिन मैं एक चीज के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल थी कि उनकी निगाह है हर एक के ऊपर निगाह है किसके जरिए क्या काम होना है भले ही छोटा सा काम होना हो अगर आप उस काम के लायक होते हो उन्होंने समझा कि भाई ठीक है इतनी भीड़ में अगर में, मुझे इस लायक समझा कि मैं इस नॉलेज को दे पाऊं तो ये भी मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात एक निगाह तो है ना उन्होंने माध्यम तो चुना ना कि भाई ठीक है किसी के जरिए ये बुक आनी है या मुझे पढ़ना है जो भी है मतलब इस काम के लिए मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत अपने आप को मतलब शुक्रगुजार मानती हूँ इस चीज की कि भाई मास्टर्स की निगाह है ईश्वर की निगाह है इसीलिए काम हो रहा मैं, मैं है भी जी, भी जी। शिल्पी जी। हाँ मैं ये पूछता मैं उस बुक का नाम पूछना चाहती हूँ बुक का नाम है बाबा जी अकम्पिट विराट बज्र इस बुक का आपको तो, बुक का वो फोटो मिल जाएगा मैम जो मैम ने लिंक शेयर किया ना ग्रुप में उसमें है बुक का नेम बुक का है पूरा कवर कंप्लीट क्या थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में उनके नेमेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा मेरे को आपका ये सुन के बहुत अच्छा लगा और मैं बुक पढ़ना चाहती हूँ कि इसमें और क्या है तो मैं बाबा जी के, के उसमें मैं इसमें क्रिया योग में दिव्य बाबा जी के तैयार रहिएगा बिना नोट्स के कुछ समझ में नहीं आएगा बहुत सारे लिंक है कनेक्ट होते जाएंगे एक डॉट इधर एक इधर एक इधर एक इधर अच्छा नोट्स तो आप पढ़िए इसको बहुत अच्छा लगेगा मेरे मैंने की बुक भी पढ़ी है जो आपने किया ऑटोबायोग्राफी और कुछ वाले की बुक उसकी आ, उनकी बुक लाके पढ़ी है मैंने बहुत अच्छी लगी श्री एम की बुक मैंने खत्म कर दी है बहुत अच्छी लगी है मेरे उस की और किसी को कुछ कहना है फ्रेंड्स आपको स्पॉटलाइट एक मिनट एक मिनट मैं आपको स्पॉटलाइट कर दे रही हूं ताकि सब लोगों को दिखे भी हमें दिखाई दे रही है बुक हाँ अब दिखाई दे रही है हुँ. कितनी मोटी है दिखाओ तो माय गॉड काफी पेजेस हैं। दिख रहे हैं आप लोग को क्लियर उनके नीचे ऑथर का भी नाम दिखा दो थो, थोड़ा और ऊपर करो योगीराज गुरुनाथ सिद्धनाथ बाबा जी अकंपित विराट क्या है विराट वज्र बहुत सुंदर बहुत सुंदर तो फ्रेंड्स किसी को कुछ कहना है तो अगले सेशन के लिए हम कब इंतजार करें क्योंकि हमें अब अगली बार इंतजार रहेगा आप कुछ बोलने वाली... नहीं मैं बोलती हूँ तो ले नहीं पाती मैं कोशिश करूँ जल्द ले अच्छा मैं मैं एक बात पूछना चाह रही थी जैसे क्रिया योग क्रिया योग कहते हैं तो हमारे आनापान सती मेडिटेशन से वो कितना डिफरेंट है उसमें कुछ आसन है क्रिया योग में बताया हुआ है कि जितना उसमें उन्होंने ओपन किया है बुक में हाँ। उसमें एक प्रोसेस होता है लाइक पहले आप कुछ ओमकार का साउंड लेते हो कुछ फोर्टी टाइम से कितने टाइम ओमकार का कुछ नाम जाप होता है कुछ नाम लिया जाता है और इस तरह का मैं पूरा लिस्ट बनी हुई है एक तरफ गोलखशतक का योग क्रिया उनका योग योग है और एक तरफ क्रिया योग दोनों को एक सिमिलरिटी क्या क्या है इस तरीके से बताया हुआ है उसका पिक क्लिक करके मैं वीपीटीस में शेयर करूंगी और बाकी थोड़ा सा बता रही हूँ कुछ ओमकार का नाम नाम लिया जाता है पहले और फिर उसके बाद में अपने चक्रास पे ध्यान दिया जाता है बाद में वो क्रिया करने के बाद कुछ प्रोसेस होता है वो क्रिया करने के बाद में आपको आना पाना सत्य ध्यान में ही आना होता है फाइनली जो सारी चीजें हो जाती है तो फिर आप अपनी ब्रेथ पे अवेरने अवेयरनेस देते हो और ब्रेथ पे अवेयरनेस जब हम देते हैं तो हमारी जो सांस है वो सुशुभना में चलनी शुरू हो जाती है सुशुभना नाड़ी में तो मेन उसका यही है कि आपकी ब्रेथ सुषुम्ना में चलनी स्टार्ट हो जाए तो उसको सुषुम्ना तक कैसे शिफ्ट करना है उसका कुछ प्रोसेस होता है कि वो धीरे 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 करके सुषुम्ना में शिफ्ट हो जाएगी अब mm -hmm. वही चीज आना पाना सती में भी होती है बट हम क्या करते हैं हम डायरेक्टली आईज क्लोज करके अपनी ब्रेथ पे अवेयरनेस लगा के फिर सुषुम्ना में जाते हैं जैसे जैसे हमारे थॉट्स कम होते चले जाते हैं वैसे वैसे हम हमारी ब्रेथ जो है हमारी सांस वो बहुत गहरी हो जाती है छोटी हो जाती है फिर धीरे धीरे पता भी नहीं चलता कि हम सांस ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं तो वो जो टाइम होता है जब हमें लगता है कि हम सांस नहीं ले रहे हैं लेकिन फिर भी हम ले रहे होते हैं वो सुशोभना से ले रहे होते हैं उस जब हम उस तक पहुंच जाते हैं उस वही निर्विचार समाधि जो होती है ना समाधि की पहली स्टेज वही होती है तो शिल्पी जैसे मैं आ, प्रदीप सर वगैरह ने ही बताया था कि आ, क्रिया योग वगैरह तब के लिए था जब लाइट एज नहीं थी है ना तब डार्क फोर्सेस बहुत एक्टिव काम कर रही थी तो उस समय क्रिया योग एक न, प्रोसेस था जिसमें गुरु और शिष्य का भी जरूरी था ना इनिशिएशन देते थे आ, और वो था पर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकाश योग आने लगा और ये गुरु शिष्य की परंपरा छूट गई क्योंकि अब किसी गुरु के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रह्म सबके पास है और प्रकाश एज भी है तो अब क्रिया योग जरूरी नहीं है सिर्फ अनपान सती मेडिटेशन इज सफिशंट है ना ऐसा बोला जाता है पर यदि कोई क्रिया योग कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है मैं ये नहीं कह रही हूं कि गलत है बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसके द्वारा आप कुछ मुद्राएं कुछ आसन करके अपने एनर्जी को शायद फैलाते हैं या रिलीज़ करते हैं उसके बाद आप अनापान सती मेडिटेशन में ध्यान में जाते हैं मैम राज जी से किसी ने पूछा था उनके शिष्य ने कि क्रिया योग और आनापाना सती में दोनों में से कौन सा बेस्ट है हाँ. तो आना सती की जो ने, नेक्स्ट स्टेज होती है विपसना और ये काया वाला जो रहता है आगे का प्रोसेस तो उन्होंने ये बोला था कि दोनों में से दोनों ही अच्छे हैं हम इस तरीके से फर्क नहीं कर सकते जैसे रेनबो में कलर्स होते हैं सारे ही कलर्स की अपनी इम्पोर्टेंस है आप किसी एक को अच्छा नहीं कह सकते हो तो जितनी भी योग की पद्धतियां हैं वो सब एक रेनबो के जैसी ही है आपको जो समझ में आता है आप जिससे ज्यादा रिलेट कर पाते हो जो आपको लगता है कि आपके लिए ठीक है आप वो कर सकते हो दोनों में कोई ऐसा अंतर नहीं है दोनों का ही आ, मतलब मकसद एक ही है आप चाहे आनापाना सती करो या क्रिया योग करो दोनों ही आपको अल्टीमेट लेकर के वहीं जाने वाले हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोले जब भी बाबा जी और क्रिया योग या श्री एम की टीचिंग सुनते हैं तो थोड़ा सा क्रिया योग क्या रहता है मुझे भी लग रहा था जब मैं बुक पढ़ रही थी ना तो मुझे भी ऐसा लग रहा था और मैम ये देखिए जैसे ही मेरे माइंड में, में आता था ना तो काश का मैं क्रिया योग सीख लेती मैं कौन से गुरु से सीखू बहुत अच्छा है इसमें तो बताया हुआ लेकिन जब बाद में मैंने क्रिया योग का चैप्टर पढ़ा कि कैसे काम करता है अरे तब समझ में आ गया फिर मैं खुद अपनी ब्रेथ के साथ उसको प्रैक्टिकल करने लग गई कि यानी कि जो ये बोल रहे हैं कि जैसे ही बोला वैसे ही प्रैक्टिस करने लग गई और मैं इमीडिएटली उसी स्टेट में पहुंच गई थी जिसकी वो बात कर रहे थे एकदम डीप गहरी ब्रीथ आपकी और कोई थॉट नहीं और सिर्फ आप और आपकी सांसें प्रेजेंट मोमेंट और कुछ भी नहीं था मुझे लगा था बुक पढ़ते पढ़ते ही मैं उस स्टेट में पहुंच गई वो सेंटेंस पढ़ते पढ़ते बिल्कुल चलिए नमस्ते नीता जी नमस्ते शिल्पी जी नमस्ते शिल्पी जी आपने अभी ना विपासना के लिए कुछ बोले थे आप उसको थोड़ा सा रोशनी करें उस पे? आ, में स्टेज होती है। बंद कर देते हैं कैसी स्टेज आती है आपको जरूरत नहीं पड़ती अपनी सांसों पे ध्यान लगाने की बस आप सुशुभना में स्थिर हो जाते हो फिर विपसना का जो स्टेज होता है ना वो आपके बॉडी है एथलिक बॉडी है आपके एस्ट्रल बॉडी है और जो कोश होते हैं उनमें काम होना शुरू हो जाता है नाडियां शुद्धि बोल सकते हो आप उसको हमारी नाड़ियों की शुद्धियां होने लग जाती है जो आगे जो कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं और जो हमारे बॉडी के साथ जो प्रोसेस होता है जो काम होता है उसे ही विपसना बोलते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू